पीजीबीपी, इसका इंट्रोडक्शन जैसा आपने बाहर देखा, ये मैं क्यों इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं इसलिए देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये टीचर कराने वाला क्या है, आखिर मैं इसकी चैनल की मेंबरशिप क्यों लूँ। बाकी भी तो भरे पड़े लोग, लेकिन बाकी भरे हुए लोगों को आप देखोगे नीचे लिखा आ रहा है ट्यूशन के लिए यहाँ संपर्क करें, वीडियो लेक्चर के लिए यहाँ पे करें, फेस टू फेस कोचिंग के लिए यहाँ पे करें। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मेंबरशिप है। हम जब बात करते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इस चैप्टर को हम किस तरह से पढ़ते हैं आप समझ लें, इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के हिसाब से। अब सेक्शन पे मैं नहीं जाता, अभी उस मुद्दे पे आते हैं बाद में, वो सब उसके लिए आपको तीनों चारों पांचों जो चैप्टर हमारे लेक्चर्स आएंगे उनको आपको देखना पड़ेगा। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या करना है, जब हम बात करते हैं पीजीबीपी, क्योंकि इस चैप्टर को थोड़ा ट्रिकी माना जाता है, इसमें सबसे बड़ी बात है बच्चों को लगता है कि यार पता नहीं इस चैप्टर में क्या होगा, कैसे करना है, कुछ नहीं करना। देखो इसका नाम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सबसे पहली बात है यहां पर ना कोई भी रट्टा नहीं चलेगा, रट्टा नहीं चलेगा, ठीक है, नो मेमोराइजेशन। यहां पे लॉजिक चलेंगे, यहां पे दिमाग चलेगा, यहां पे करना क्या है, क्या ये खर्चा अलाउड है, क्या ये इनकम अलाउड है, ऐसी चीजें अलाउड है। सबसे पहले जो इसमें कवर होता है, सबसे पहले होता है बेसिक्स कि हाँ जी इसका चैप्टर के बारे में कहना क्या चाहते हो, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, किसको नहीं मानेंगे, किसको मानेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो जब कंपनी जो डिस्कशन करती है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्सेस इनकम टैक्स को हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे अकाउंट बन रहे हैं कंपनी के, यहाँ पे हम दोबारा ड्राफ्ट करते हैं अकाउंट का, लेकिन एज पर IAS, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे वो कुछ खर्चे दिखाएगा हम कहेंगे अलाउड, वो कुछ खर्चे दिखाएगा हम कहेंगे नहीं अलाउड, वो कहेगा कुछ खर्चे दिखाऊंगा हम कहूँगा कम है अलाउड, वो कुछ इनकम दिखाएगा हम कहेंगे अलाउड, कुछ इनकम दिखाएगा हम कहेंगे नहीं है अलाउड। तो ये सारी जो कश्मकश है इस फर्स्ट पार्ट में आपको समझ आती है। ये फर्स्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और जितनी इलस्ट्रेशन हो सकती हैं इसको हम करते हैं अभी, नहीं मतलब इस चैप्टर्स के अंदर करते हैं। नंबर टू पार्ट जो इसमें आता है वो आते हैं स्पेशल डिडक्शंस। डिडक्शंस कैसी होती है, ये चैप्टर है बस एक, कुछ एक्सप्रेस्ड है मतलब एक्सप्रेसली अलाउड डिडक्शंस, और एक होता है जो कि नॉट एक्सप्रेस्ड मतलब एक्सप्रेसली पता नहीं चलता कि हाँ अलाउड है या नहीं है। तो इसमें सेक्शन चलते हैं हमारे सेक्शन 30 से लेकर के 37 तक, इसमें जो मतलब जो हम आपको लिमिट बताते हैं कि सर अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा किया तो क्या अलाउड है, हाँ जी अलाउड है। सर आपने रूरल डेवलपमेंट के अंदर किया तो अलाउड है, हाँ जी अलाउड है, उतना खर्चा अलाउड है। सर अगर मैंने कुछ माइन वगैरह पे खर्चा किया, मिनरल डेवलपमेंट पे खर्चा किया तो अलाउड है, अलाउड है, लेकिन 10 साल में आप उसको क्लेम कर सकते हो, मतलब जो भी खर्चा करोगे डिवाइड बाय 10 करके आप ले सकते हो। सर मैं टेलीकम्युनिकेशन टावर के बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, उसके लिए लाइसेंस लिया, उसके लिए मैंने परमिशन लिया, उस पर खर्चा किया, तो क्या वो अलाउड है, अलाउड है, लेकिन फिर से उसकी लिमिट है। अगेन आपको देखना पड़ेगा कितने सालों के लिए लाइसेंस है। ये सारी चीज़ें जैसे हम पढ़ते हैं उस जैसे हमने लाइसेंस लिया 20 साल के लिए, खर्चा किया 20 लाख, तो 20 लाख डिवाइड बाय 20, तो हर साल 1-1 लाख रुपए आप उसको माइनस कर सकते हो। तो इसमें सेक्शंस के सब सेक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, सेक्शन 35 में क्या है, 33 में क्या है, 32 में क्या है, 32 तो हम पढ़ेंगे नहीं, बाद में जाएगा डेप्रिसिएशन में आता है वो, और सेक्शन 31 में क्या आता है, इंश्योरेंस के प्रीमियम कितने अलाउड हैं कितने नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर क्या हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड टू SSC, अपने लिए इन हाउस लेबोरेटरी में रिसर्च की गई नहीं करी गई, ये सारे खर्चे हम यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे सीखना है बस, इस चैप्टर में सीखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से खर्चे अलाउड है, कौन से सारे होना हो, कौन से अलाउड है। अगर पूरे अलाउड है तो आपने लिखा 1000 हम कहेंगे ओके, आपने कहा 10000 हमने कहा ओके, कौन आप मतलब IAS, IAS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिया है हमें, हम उसको चेक करेंगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ये खर्चे माइनस करे हैं, ये अलाउड, ये अलाउड, ये अलाउड, ये तो अलाउड नहीं है सर, तो इसको वापस ऐड कर दो। हम जब दोबारा से बनाएंगे, तो जब आप हमें P&L अकाउंट दोगे बना के, हम उसको दोबारा से बनाएंगे। ये जो दोबारा से का काम है ना, यही आपको करना है इस चैप्टर के अंदर। आपने लिखा -1000 हम कहेंगे ओके, आपने कहा -10000 हमने कहा ओके, हमने कहा -2000 क्यों किया भाई अलाउड नहीं था, हम कहेंगे प्लस कर लो क्योंकि आपने माइनस किया हुआ था, वापस करो। तो ये सब चीज़ें हम इसमें अलाउ करते हैं। कुछ इनकम होंगी अलाउड है, यस ऐड करो, अलाउड है ऐड करो, अलाउड नहीं है माइनस कर दो। मतलब आपको याद होगा मैंने शॉर्ट्स भी दे रखा है इसके ऊपर, पीजीबीपी के ऊपर, आप उसको सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लॉजिकली लेंथी चैप्टर है, तो 4-5 क्लासेस लगती हैं।
और इसके बाद जो चैप्टर के पार्ट आता है, तो हमने इसी पार्ट के अंदर क्या करा, बुक, ये वाली बुक है जो मैं रेफर कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको नीचे गिवन है, आपको यही बुक उठा के मेरे संग पढ़ना है तो आपको मार्केट से ऑर्डर करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको हर बार समझा चुका हूँ, प्लीज़ फिर से समझा रहा हूँ, सिर्फ यही चैप्टर आप किसी टीचर को बोल दो ना सर मुझे पढ़ा दो, वो कम से कम 600 से 700 रुपए घंटा लेगा और 5 से 6 क्लास में पढ़ाएगा, तो कितना रुपए गया आपका, 2500 से 3000 रुपए। यहाँ पे आपको सिर्फ 150 रुपए महीने की मेंबरशिप लेनी है, 3 से 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट, और बुक आपकी आप खुद खरीद रहे हो, मैं भी नहीं खरीद के दे रहा आपको, मेरे कोई नोट्स नहीं है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम ऑफ सर्टेन प्रोफेशंस, फिर हम बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या होगा कि सर इनकम कौन कौन सी हम मानेंगे, कौन सी नहीं मानेंगे, और एक चैप्टर एक्सक्लूसिवली रखा गया है सेक्शन 32 के लिए, जिसमें हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। जब आपको ये समझ आ गया कि मीनिंग क्या है चैप्टर का, कौन से एक्सपेंसेस अलाउड किए जाएंगे, कौन से नहीं किए जाएंगे, तो पीएनएल अकाउंट जब बनता है कंपनी का तो कैसे बनता है, देखो ना, यहाँ पे हमारी सेल्स आती है या फिर ग्रॉस प्रॉफिट आता है, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सारी इनकम आती है और फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो वही तो पढ़ रहे हैं हम, आपने ये हमें शो किया, हमने पकड़ लिया, अब हाथ में पकड़ लिया हमने किताब, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, कौन सी इनकम अलाउड है, कौन सी अलाउड नहीं है, कौन सा डेप्रिसिएशन अलाउड है, कौन सा नहीं है, हमने इसको दोबारा से स्टडी किया, हमने इसको दोबारा स्टडी किया और दोबारा नया पीएनएल अकाउंट बना लिया वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से, बस दोबारा बना दिया। अब जो आएगा नेट प्रॉफिट, इसको आपने लेके जाना है उन 5 हेड्स के इनकम के अंदर, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये आपकी इनकम मानी जाएगी। इसमें तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम पूरा चैप्टर, करीबन एक जो टॉपिक हमने लिया इसके 40 से 45 मिनट का लेक्चर है पूरा, तो इसके अंदर बेसिक समझेंगे बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है, इसमें कितने खर्चे अलाउड है, कौन कौन से खर्चे का क्या मीनिंग होता है, एक बार समझ लोगे ना आई प्रॉमिस क्वेश्चन में 80% तक तो गलती करोगे नहीं आप। मैं 80% इसलिए बोलता हूँ कि प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितनी इलस्ट्रेशन करोगे, जितने सैम्पल पेपर करोगे, उतने जल्दी चैप्टर क्लियर होगा आपको, ठीक है। फिर आपका आता है डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन की कहानी इसके बाद हम अलग से क्यों पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अंदर देखो एक तो मेथड बड़े दो होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है WDV मेथड। फिर एसेट बहुत टाइप्स के होते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ एसेट्स होती हैं, मतलब आप मानेंगे नहीं, यकीन मानिए कि डेप्रिसिएशन कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, ये भी डिपेंड करता है किस तरह की एसेट है। अब मैं एक टीचर हूँ, मैंने एक मोबाइल लिया, अब मोबाइल पे डेप्रिसिएशन मोबाइल की तरह लगेगा, टीचिंग प्रोफेशन के हिसाब से नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं अपने लिए फर्नीचर में एक टेबल लेके आता हूँ, एक बोर्ड लेके आता हूँ, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कम लगेगा ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि मैं उसको रफली यूज़ नहीं कर रहा, मेरा काम फर्नीचर बेचने का नहीं है, जो कि उठा पटक एक जगह रखा वहीं पढ़ाता रहता हूँ मैं, तो डिपेंड करता है कि आपकी एसेट किस तरह की यूज़ की आ रही है। आप यकीन मानेंगे जब मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़ा था PGBP शुरुआत में, तो उसमें तो इतनी गंदी कॉम्प्लिकेशन थे, आज भी होंगे वो वहाँ पे एडवांस लेवल की, जब एडवांस लेवल पर एक्सपर्ट होगे, कि अगर आपकी एक मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन आता है 25% साल का, और या 10% आता है साल का, लेकिन अगर उसके आसपास पानी पड़ा हुआ है मशीनरी के आसपास, तो उसी का डेप्रिसिएशन 15% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी? क्योंकि अब आपकी मशीन पर रस्ट लगेगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। आप समझो इतनी बारीकी की बातें होती है डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर। हमने कहा सर हमारे पास एक ही एसेट की ना एक तरह की जो एसेट है वो 15-20 है, तो सबके ऊपर डेप्रिसिएशन अलग लगा लोगे? नहीं, उसका नाम होता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ये सब चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे एसेट के टाइप के अंदर, जो हम पढ़ेंगे तो अलग एसेट है या ब्लॉक है। ब्लॉक है तो देखो, अब ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या सिस्टम होता है, सपोज मैं आपको पढ़ाने का तो एग्जाम्पल छोटा सा ये, खैर छोड़ो, एग्जाम्पल किसी मशीनरी का लेते हैं। एक कंपनी जो मशीनरी आपको इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, खरीदती भी है, और जब यूज़ होकर ख़राब होती है तो उसको बेच भी देती है। तो ब्लॉक ऑफ एसेट था, 50 एसेट थी उसमें, मशीनरी थी, उसमें से इस साल हमारी 2 खत्म हो गई, उसको आपने बेच दिया। याद है डेप्रिसिएशन चैप्टर अकाउंटिंग का, डिस्पोजल अकाउंट, तो आपने 2 को बेचा, वो निकल गई, अब 1 खरीद ली, वो ऐड हो गई। तो ये सारी टेक्निकल पार्ट्स भी इसमें कवर होते हैं कि ब्लॉक ऑफ एसेट को डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे। तो जो था उस पर डेप्रिसिएशन, जो आया कब आया, उसको हमने कब ऐड किया, अगर नवंबर में किया, दिसंबर में किया, टिल 31 मार्च, कितना डेप्रिसिएशन उसके ऊपर लगेगा। तो इस सारे के ऊपर डेप्रिसिएशन एक साथ लगाया जाता है, और ये आता है सेक्शन 32 के अंडर में। तो ये पूरा चैप्टर है डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस,
ये अलग से आपको करना पड़ेगा, इसकी पूरी लिस्ट होती है। और इस बुक के अंदर क्या है कि मुझे ये बुक एज ए स्टूडेंट अच्छी लगी, ठीक है। तो ये पूरे एक लिखा है रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, टेंजिबल एसेट्स पे, इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो आपको पता है एसेट भी दो तरह के होते हैं, एक टेंजिबल एसेट एक इनटेंजिबल एसेट। इनका रेट फिक्स कर रखा है टैक्सेशन अथॉरिटी ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने नहीं, वो जो वहाँ का है वो अलग है। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में भी हमने रेट डिफाइन कर रखे हैं, किसी का 5%, किसी का 15%, किसी का 25%, किसी का 20%, किसी का 45%, किसी का 40%। मतलब हर साल सोचो, इसमें लिखा हुआ है एरोप्लेन और एरो इंजन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन 40% साल का, मतलब ढाई साल के अंदर वो एरो इंजन खत्म, एरोप्लेन खत्म ढाई साल के अंदर। माय गॉडनेस, मतलब आपके हिसाब से उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। आप सोचो एयरलाइंस के ऊपर कितना खर्चा होता होगा। आप जितनी फ्लाइट की बात सुनते हो, विस्तार एयरलाइन, इंडिगो एयरलाइन, आपका क्या नाम है, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, कितनी फ्लाइट्स हैं, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना हाई लग रहा होगा, सोचो ज़रा आप, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं पीजीबीपी के अंदर, और उसके बाद इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के, कुछ डेप्रिसिएशन एब्जॉर्ब हो गया इस साल, कुछ डेप्रिसिएशन अगले साल जाएगा, उसको हम कैसे डील करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें करने के बाद इसके ऊपर हम खर्चे, इसके ऊपर हम करते हैं क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में भी एमसीक्यूज भी हैं इसके अंदर, क्वेश्चंस भी हैं नॉर्मल, ये सब आपके थ्योरी क्वेश्चंस में भी आते हैं, एमसीक्यूज में भी आते हैं, और कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस, तो मैंने जो स्टूडेंट से आज तक सुना है वो यही कहते हैं कि सर हम तो इसको चॉइस में छोड़ के आ गए चैप्टर को, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, लेकिन सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही छोड़ पाओगे ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कैसे छोड़ दोगे, जब वो डेप्रिसिएशन के बारे में पूछेगा क्वेश्चन एक थ्योरी के अंदर कैसे बताओगे, जब वो डिडक्शंस, परमिसिबल डिडक्शंस की बात करेगा वो कैसे बताओगे, जो परमिसिबल नहीं है एक्सप्रेसली उसके बारे में कैसे बताओगे, उसके लिए चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल के ऊपर। प्लीज़ दोस्तों मत सोचो इतना, ज्वाइन करो इस चैनल को एज ए मेंबर, और ये सारे के सारे चैप्टर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। जल्दी जल्दी चैप्टर अपलोड हो रहे हैं, इनकम टैक्स का सिलेबस 3 महीने में ख़त्म करके फिर हम नए टॉपिक पर भी शुरुआत करने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक द मेंबरशिप नाउ, और दोस्तों को भी एनकरेज करो। ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज फॉर पीजीबीपी, एंड बाकी चैप्टर तो चल ही रहे हैं। ऑल द बेस्ट।